हम बात कर रहे हैं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको 3% के ऊपर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 116 रुपये पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, स्टॉक ने 120 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, लेकिन अभी तक इसका कन्फर्मेशन नहीं आया। हमको वेट करना होगा इसके ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि हमको छोटे मोटे जंप पे स्टॉक रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा था, जंप आ रहा था और स्टॉक अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ रहा था। आज की डेट में भी हमको 122 के आसपास तक का जंप देखने के लिए मिला, वहाँ से स्टॉक हमको रिजेक्शन दिखा रहा है और इस रिजेक्शन के साथ जिस सपोर्ट लेवल से कल के डेट में स्टॉक ने बाउंस बैक किया था उसको ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो सपोर्ट है ये आखिरी उम्मीद रहेगी, अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है पीएनबी तो बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और हम देख सकते हैं इस वक्त ये स्टॉक जो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट लेवल पर हमको नज़र आ रहा है, 115 के आसपास ये इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा, जहाँ से इससे पहले गिरावट के बाद स्टॉक ने 132 तक के टारगेट दिखाए थे, तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ से अगेन हमको छोटी मोटी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, इस लेवल से 118 से लेके 119 रुपये तक की बाइंग हमको यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन छोटे मोटे जंप पर हमने अगेन कह रहे हैं कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, लो और लो पैटर्न बता रहा है, स्टॉक जंप पर रिजेक्शन ले रहा है और अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। अब स्टॉक को बड़ी तेज़ी के लिए 120 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर 120 का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है स्टॉक 2-3 दिन, तो वैसे कंडीशन में हमको इसमें रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर जंप आता भी है तो जंप पर थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि स्टॉक इस वक्त अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया 114-115 रुपये के लेवल को, तो फिर पीएनबी में हमको 100 रुपीज़ तक की भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।